इससे पहले यूनियन काउंसिल्स डिटरमिन करे, जो इस वक्त नोटिफिकेशन के जरिए 125 यूनियन काउंसिल्स का तयन किया जा चुका है और 125 यूनियन काउंसिल्स में नई हल्का बंदियां होनी है। दूसरी बात कि जो एक्ट था 2015 उसकी भी अमेंडमेंट हो चुकी है और उसे असेंबली पास कर चुकी है, उसे सेनेट पास कर चुकी है। दो बातें उसमें की गई हैं, एक ये किया गया है कि जो यूनियन काउंसिल्स 125 मैंने आपसे कहा वो उस एक्ट की अमेंडमेंट में भी मेंशन कर दी गई हैं कि इस्लामाबाद में जो बलदियाती इलेक्शन होंगे उसमें यूनियन काउंसिल 125 होंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसमें की गई है कि मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट उसमें कहा गया है कि डायरेक्ट तरीके से वो होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, पूरे ज़िले पर वो इलेक्शन होगा। ये दो अमेंडमेंट उसमें हुई हैं। अब वो बिल सदर साहब के पास है, सदर साहब का इख्तियार है कि वो 10 दिन तक उसे रख सकते हैं। 4-5 दिन गुजर चुके हैं, 5-6 दिन में अगर सदर साहब उस पर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता है। ये पाकिस्तान का आईन कहता है, मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट नहीं कहती। तो मुझे अब ये बताएं, मेरा ये सवाल है कि अगर ये इलेक्शन आज छोड़ दें, ये जो भी है यहाँ पे सारी लिटिगेशन हुई है, कल जो फैसला हुआ, जो 24 दिसंबर को जो फैसला किया गया, अगर आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन इन्हीं 101 यूनियन काउंसिल पर होता है और 6 दिन बाद एक्ट बन जाता है जो बनना है उसने इंशाल्लाह, तो इन बलदियाती नुमाइंदों की और इन मुंतखब चेयरमैनों की जो मियाद थी, जो उम्र थी, वो 6 दिन होती, सिर्फ 6 दिन बाद इन्होंने खुद बखुद तहलील हो जाना है और दोबारा आपका इलेक्शन डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बलदियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी, इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और आज जो ऑनरेबल जज साहब ने वेरी राइटली ही सेड कि जनाब इतने जो अखराजात हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कर चुका है तैयारी पे, उसका उन्होंने हिसाब मांगा, बिल्कुल सही किया, जाहिर है पब्लिक बनी है, कितना खर्चा हुआ। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन अगर आज होता है और करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च हो जाते हैं और ये बलदियाती नुमाइंदे आप सिर्फ 6 दिनों के लिए मुंतखब कराना चाहते हैं और किस लिए कराना चाहते हैं, जब ये मेयर नहीं मुंतखब कर सकते, जब ये मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती, तो 6 दिनों के लिए ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन किस हवाले से इनकाद पजीर होना चाहता है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। तो लिहाजा जो अमेंडमेंट एक्ट में हो चुकी है वो इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 6 दिन बाद उसने एक्ट बन जाना है और उसके बाद उसके तनाजुर में डायरेक्ट इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद में जो 125 यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी हल्का बंदी भी असर न होगी। अब मैं ये बात करता हूँ जी कि जो झूठा और मनफी प्रोपोगंडा जालसाजों की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होता आया है, मुसलसल हम झूठ सुन रहे हैं। वैसे तो उनकी सियासत है ही मकर और फरेब पे मबनी, लेकिन जितना झूठ उन्होंने इस इलेक्शन में बोला, और सबसे ज़्यादा फवाद चौधरी साहब खामोश, वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं, कभी कहा 30 कैंडिडेट हैं 101 यूनियन काउंसिल्स पे, कभी कहा 40 हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर अपने ज़िले की खबर लो, तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है, अपने पहले ज़िले की खबर लें, उसके बाद आके इस्लामाबाद में आप अपने ये झूठे बयानात और झूठी मनसी सियासत करें। मैं मीडिया के सामने इससे पहले भी और आज फिर अपने इस वक्त जो हमारे बलदियाती नुमाइंदे इस इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजद जमा कराए और जो लड़ रहे थे वो फहरिस्त आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल्स के अलावा, और वो यूनियन काउंसिल्स डिफेंस एरिए की हैं जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, डिफेंस का एरिया है, उसके अलावा 99 यूनियन काउंसिल्स पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और चेयरमैन जो है वो अपने तमाम तरह इंतजाम उनके मुकम्मल और वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो लिहाजा ये सबसे पहला झूठा प्रोपेगेंडा, ये लिस्ट मेरे सामने है, मैं आपके हवाले करता हूँ, आप बेशक मीडिया के भाइयों को दे दें। दूसरी बात कि जनाब इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल
प्रोपेगेंडा और ड्रामा किए जा रही है। मुझे आप ये बताएं कि जो इलेक्शन हमारे दौर में हुए बल्दियात में, इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन जो हमारे दौर में हुआ 2015 में, उससे पहले इलेक्शन जो है वो 1979 में हुआ था, तो ये एजाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है कि 1979 के बाद 2015 में पहली दफ़ा इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराते हैं और उस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और वज़ीर आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। वो इलेक्शन हमारे दौर में हुए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी और उनकी जो मियाद है वो कब पूरी होती है, वो होती है जनवरी 2021, 2021 जनवरी में वो इदारे तहलील हो जाते हैं। पीटीआई की हुकूमत रहती है अप्रैल 2022, यानी एक साल चार महीने, एक साल चार महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? मुझे इस सवाल का जवाब दें। आज जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैं उनसे पूछता हूं कि अपने दौर हुकूमत में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जब बल्दियाती इलेक्शनों की मुद्दत ख़त्म हो गई तो एक साल चार महीने आपकी हुकूमत कायम रही, आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारे जो जनवरी 2021 में तहलील हुए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया, जब इलेक्शन शेड्यूल दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस लेके आई, लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021, ये आप मीडिया के सब भाइयों को पता है। उस ऑर्डिनेंस में भी डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन की बात की गई, जो बात आज हम कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ की सपोर्ट कर रहे हैं। जो अपने ऑर्डिनेंस में आप लेके आए थे डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन हो, वो ऑर्डिनेंस अदालत के जरिए सेटिसफाइड हुआ और उसके बाद ये अमल चलता रहा, आपकी हुकूमत चली गई, लेकिन एक साल चार महीने ना तो आप इंटरेस्टेड थे बल्दियात के इलेक्शन में और ना आप ये इलेक्शन जो है करवा सकें। दूसरी बात, पंजाब की सूरत हाल लें, आज आप इदारों को पहले तो गालियां देते हैं, फिर कहते हैं इदारे बड़े काबिल एहतराम हैं, फिर आप कहते हैं जनाब के अदालती हुक्म जो है, जो मैंने कहा कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर मुमकिन नहीं था, उस पर आप आज बातें कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अदालती हुक्म पे अमल पैरा नहीं किया। मैं पूछता हूं इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि पंजाब में जब आप हुकूमत में आए 2018 में, तो सबसे पहले आपने बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उन्हें आपने मुअत्तल किया, पूरे पंजाब में तमाम लोकल बॉडीज़ के इदारों को पीटीआई हुकूमत ने सस्पेंड किया सबसे पहले, उसके बाद वो बहाल हुए, कहाँ से बहाल हुए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी बहाली के बाद क्या आपने उन बल्दियाती नुमाइंदों को अपने दफ्तरों का चार्ज लेने दिया? दफ्तर खोले ही नहीं। दफ्तर खोले आपने, वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, वो अपने दफ्तरों के लॉन में मीटिंग करते रहे, आपने उन्हें दफ्तरों में नहीं घुसने दिया। ये है आपकी इज्जत बल्दियाती इदारों के लिए, बल्दियाती नुमाइंदों के लिए। क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों अपने मकरू प्रोपेगेंडे के जरिए आप ये बात कौम को बता रहे हैं कि हम तो बल्दियाती इदारों के बहुत हक में? पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है पंजाब की, आपने वहाँ पर ये इदारे मुअत्तल रखे। और फिर मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तोहीन अदालत की कार्रवाई हुई, आप उसमें भी पेश नहीं हुए, और जब तक आप हुकूमत में रहे आपने बल्दियाती नुमाइंदों को और इदारों को ना बहाल होने के बावजूद ना चार्ज दिया और ना उसके बाद आपने वहाँ पे इलेक्शन होने दिए। तो ये पंजाब के सबसे बड़े सूबे की कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो हुआ वो मैं आपके सामने रखी है। और आज यहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा जनाब, हम बहुत बड़े चैंपियन हैं बल्दियाती इदारों के और हम बहुत बड़े दावेदार हैं। फिर चार साल में मुझे ये बताएं कि आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को फेस नहीं करना चाहती, आप मुझे ये बताएं कि आपके क्रेडिट में इस्लामाबाद में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी खिदमत आपने इस्लामाबाद की है जिसकी बुनियाद पर लोग आपको वोट देंगे? क्या जो आपके झूठे ड्रामे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर? क्या जो आप इदारों की तजलील कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर? इमरान खान की मनफी सियासत के ऊपर, वो भी दिन ब दिन एक्सपोज हो रही है, हर आने वाला दिन इमरान खान की मनफी सियासत को, झूठी सियासत को, उनके फरेब को, उनके मकर को, उनकी
بطور شخصیت کو ایکسپوز کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری سیاست اگلے چند دن نہیں تو چند مہینے کی ہے. اس سے زیادہ وہ اب سروائیو کرنے والے نہیں ہیں پاکستان کی سیاست میں. اسلام آباد کی آپ نے جو دو تین پروجیکٹ شروع کیے 4 سال تک ان کو لٹکائی رکھا. ایک پروجیکٹ آپ مکمل نہیں کر سکے. رورل ایریا میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو, اسلام آباد سٹی میں کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی ہو. ہاں اگر آپ نے کیا تو اسلام آباد میں جو ہمارے کوئی گرین پارکس ہیں, جیسے یہ گرلز لگی ہوئی ہیں, ان گرلز کو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کا رنگ کر دیا, جگہ جگہ آپ نے بورڈ اویزاں کر دیے. اس کے علاوہ آپ کوئی خدمت کی سیاست یہاں نہیں کر سکے. ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا جو ہمارے دور حکومت ہے, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ الیکشنز ہوئے تھے 2015 میں, ہمارے اس میٹروپولیٹن کارپوریشن میں مسلم لیگ نون کے میئر منتخب ہوئے, انہوں نے اپنے دور میں ڈلیور کیا. ہم نے کوئی 150 سے زیادہ اس وقت بھی دیہات میں سوئی گیس دی, پانی کے پروجیکٹس دیے, بجلی کے پروجیکٹس دیے, روڈز بنی, کارپیٹنگ ہوئی. اس کے علاوہ کئی اور ایسے ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں جو سی ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ سے کیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی بھی بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ دور حکومت میں موجودہ وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, جو مشہور ہیں شہباز اسپیڈ کے نام سے, ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے جو منصوبے, جو پیکیجز آ رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں میڈیا کے سامنے ان کا رکھوں گا پورا پروگرام, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کا رورل ایریا, اسلام آباد کا سٹی ایریا, ان کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہماری اس گورنمنٹ کے پاس کیا ہے. مسائل بالکل مختلف ہیں. جو مسائل بارہ گاؤں کے ہیں, چراغ کے ہیں, رواد کے ہیں, شکریال کے ہیں, وہ مسائل G10 کے نہیں ہیں, F6 کے نہیں ہیں, G6 کے نہیں ہیں, لیکن شہروں کے مسائل بہرحال موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا ایک کمپریہنسو پلان لے کے آئیں گے. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اداروں کا بھی احترام ہے, ہمیں عدالتی فیصلوں کا بھی احترام ہے, اور ہم آئندہ بھی, پہلے بھی ان پہ عمل کیا, آئندہ بھی کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی, آپ یہ کہیں کہ آبسٹیکل تھی, ایسی ایک انتظامی پرابلم تھی جس کی وجہ سے آج الیکشن انعقاد پذیر نہیں ہو سکے. آج جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں کبھی کوئی دیواروں پہ پھلانگ رہے ہیں, کبھی اسکولوں کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. تو میں انہیں کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہ رونے دھونے سے, چھلانگے مارنے سے, ڈرامے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آئے میدان میں مقابلہ کریں. میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں سے اگلا میئر مسلم لیگ نون کا بنے گا اور ڈائریکٹ الیکشن سے بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور ہم اپنے خدمت سے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ثابت کریں گے کہ جو فیصلہ ہوگا اسلام آباد کی عوام کا وہ بہترین فیصلہ ہوگا. جی پلیز, تھینک یو. سوال سے زیادہ آپ نے کچھ, میں یہ کہوں گا کہ جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے وہ کمنٹس کیے ہیں, بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلی بات کہ پابندی ہم نے نہیں لگائی تھی, پابندی جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے لگی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے. میں سوئی گیس کے میٹرز کی بات کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شمار درخواستیں اسلام آباد میں ان سوسائٹیز کہ جن کے پاس این او سی نہیں ہے اس کے حوالے سے گئی تھی, اور اس پر پابندی لگی کہ جناب جہاں این او سی ہو جس سوسائٹی کے پاس صرف اسے کنیکشن دیے جائیں. میں صرف, آپ نے ایک سوسائٹی کا نام لیا, غوری ٹاؤن کا نام آپ نے لیا, وہ صرف ایک نہیں ہے, ایسی سینکڑوں سوسائٹیاں موجود ہیں اسلام آباد میں. اگر غوری ٹاؤن کو کسی نے ٹارگٹ کیا تو زیادتی کی ہے. ایسی سینکڑوں سوسائٹیاں موجود ہیں کہ جن کے پاس این او سی نہیں ہے, ان کی رولز اینڈ ریگولیشنز. ہم چیئرمین سی ڈی اے کے ساتھ کل ہماری 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. آپ لوگ سی ڈی اے کو بھی کور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, میں اور انجم وکیل خان صاحب, انہی معاملات کے اوپر. اسلام آباد میں کچھ پلازاز کو رورل ایریا میں سیل کیا گیا, جرمانہ کیا گیا. میں نے سب سے پہلے سی ڈی اے سے احتجاج کیا, یہ نقطہ بھی کل ہم نے وہاں پہ رکھا کہ پرائیویٹ لینڈ اونرز جو ہمارے رورل ایریا ہیں, جیسے میں نے نام لیے چند آپ کے سامنے, سوہان, لہترار روڈ, کھنا, رواد, بارکو, بنی گالا, جو پرائیویٹ ہیں, وہاں پہ کس حیثیت میں سی ڈی اے جا کے ان پلازوں کو سیل کر سکتا ہے, کیسے دکانیں بند کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں, اور سوئی گیس کے میٹر ان شاء اللہ تعالیٰ کھولیں گے, بالکل کھولیں گے. اور میں پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے,
और ये पाबंदी बाय दी वे गैस की कमी की वजह से पूरे मुल्क में भी है। तो अगर पूरे मुल्क में बैन है स्वी गैस की फर्दर पाइपलाइनों पे या मीटरों पे, तो इस्लामाबाद के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमें स्पेशल एग्जेम्पशन दी जाए और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अदालत ने भी ये सवाल पूछा कि ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, 12 दिन पहले क्यों आया जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी, तो इसका जवाब फाक की तरफ से जमा नहीं करवाया गया था, इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा ये अदालत ने भी पूछा कि जिस सारी तैयारियों की आप कह रहे हैं आपके उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया 101 यूनिट कौंसिल में, तो ये 12 दिन पहले जब अरबों रुपया लग गया, करोड़ों रुपया इलेक्शन कमीशन का भी बन जाती नुमाइंदों का भी, इस पर क्या कहेंगे? देखे मैं भाई, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि 125 यूनिट कौंसिल्स क्यों की गई, इसमें आबादी के हवाले से जो अदाद व शुमार हैं वो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भी रखे, उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल बेंच के सामने भी हुई, वहाँ पे भी रखे, उसे तस्लीम किया गया, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया कि किन वजूहात की बुनियाद पर ये 125 की गई हैं, और जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इस्तेहकाक है एक्ट में जो सेक्शन 6 है उसके तहत। दूसरी बात जो आपने की इस्लामाबाद की, क्या पूछा आपने दूसरा सवाल? जी जो अखराजात किए गए, देखिए वो बात अदालत की बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो मैंने इस्लामाबाद की आपसे बात की, इस्लामाबाद के बलदियाती इदारों को मजबूत बनाना, इन्हें फाल बनाना और लोगों के जो मसाइल हैं उनके गली सतह के मोहल्ले पर हल होना, ये इनका असल मकसद है। अगर ये ना हो सके तो मेरा ख्याल है फिर इन इदारों का उतना सूदमंद या उतना फ़ायदा मंद ये नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह ताला जिस लाइन बन को लेके जा रहे हैं इन्हें मज़ीद इंशाल्लाह हम इख्तियारात देंगे और लोगों के मसाइल जिनकी अभी हमारे भाई जिनकी निशानदेही कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो हल होंगे। ये बता दें कि आखिरी 2 हफ्तों में आकर हुकूमत को ऐसा क्या याद आया कि 6 माह पहले एक रकबंदी हुई 50 यूनिट यार, वही सवाल जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ, कोई और बात करें देखिए, मैंने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी तारीख वाइज मैंने आपको बता दिया है कि 1 साल और 4 माह ये इदारे तहलील रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके हवाले से कोई इलेक्शन करवाए? अगर वो इतने इंटरेस्टेड थे तो वो करवाते, आज भी जो कुछ ये सारा कुछ कर रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जो कि उनकी सरिश्त में शामिल है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। देखें बात यह है कि ये सिर्फ एक एलिमेंट मेरे भाई नहीं होता, तो 2017 की मर्दमशुमारी उसके बाद जो जो आबादी में इजाफा होता रहता है वो आपके नादरा के डाटा में रिकॉर्ड होता रहता है और वो डाटा गवर्नमेंट के पास आता रहता है, तो इसमें कोई एक नहीं 2-3 फैक्टर हैं जिनको मद्देनज़र रख के ये स्टेप उठाया गया है। और दूसरी एक और बात, मैं माजरत से वो मेरे जहन से उतर गई, एक बड़ा अहम इशू और वोटर लिस्टों का है जो कि इससे पहले 24 दिसंबर को जो ऑर्डर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पास किया उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वोटर लिस्टों में डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें दुरुस्त करें, और ये नुक्ता हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी उठाया जिस दिन ये हियरिंग थी हमारी वहाँ पे, तो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने ये नुक्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा। मेरे अपनी घर की 2 वोट वहाँ पे हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ और बाकी 6 वोट वो दूसरे यूनियन काउंसिल में गए हुए हैं, मेरी अपनी फैमिली की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये सिर्फ एक यूनियन काउंसिल में नहीं है, हर यूनियन काउंसिल के अंदर, और उसके लिए 15 से ज़ायद रिट पटिशन्स यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई कि पहले इन वोटिंग लिस्टों की दुरुस्तगी की जाए, क्योंकि अगर मैं या 1,000 वोटर एक यूनियन काउंसिल में रह रहे हैं और वहाँ पे वो अपना वोट इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि वो जो बलदियाती इदारों की या जो जमहूरियत की असल रूह है वो शायद उसके फवायद उन लोगों तक या उस यूनियन काउंसिल तक ना पहुँच सकें, इनकी दुरुस्तगी भी बहरहाल ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात आज कराने का हुक्म कल शाम को दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात